आज की न्यूज में सबसे महत्वपूर्ण है परिषदीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश विषय शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है और यहाँ पर टाइमिंग में कुछ अजीब देखने को मिला है, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही यूपी टेट का यदि आप फॉर्म डाले हैं, पेपर दिया है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, वेबसाइट सही चल रही है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षकों को 2.5 लाख तक स्वास्थ्य सुधार के लिए यानी कि इलाज के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। तो किन शिक्षकों को दिए जाएंगे वो भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालन के समय के संबंध में, तो क्या इसमें समय में परिवर्तन किया गया है ये पूरा हम देखेंगे। तो ये समय उससे पहले देखें, यहाँ पर 30/12/2021 द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 2 बजे तक विद्यालय में शैक्षणिक समय निर्धारित किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 शिक्षण घंटे, और उच्च प्राथमिक के लिए 220 कार्य दिवस होने चाहिए और 1000 घंटे निर्धारित किए गए थे। तो इसके साथ ही साथ अब जो नया जो अभी परिवर्तन किया गया है पढ़ाई में बच्चों के विद्यालय परिवर्तन किया गया है, विद्यालय का समय परिवर्तन किया गया है, तो उसमें बच्चों को तो समय से छोड़ दिया जाएगा। टीचर को 1:30 बजे तक रुकना होगा और इस समय के दौरान परिषदीय विद्यालयों में उक्त अतिरिक्त कार्य जो हाउस होल्ड सर्वे का कार्य, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन की बात की गई है, प्रक्रिया ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियां, मानव संपदा पोर्टल पर अपडेटेशन एवं अन्य प्रशासकीय कार्य करने होंगे। तो जो स्पष्ट निर्देश है इस हेतु अब हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है इस आदेश के बाद में कि आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने तक विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 तक संचालित किया जाएगा। पठन पाठन हेतु समस्त छात्र छात्राएं प्रातः 7:30 से अपराह्न 12:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रार्थना योगाभ्यास प्रातः 7:30 से 7:45 के बीच में यानी कि 7:40 के बीच में होगा और मध्य अवकाश 10:00 बजे से 10:15 के बीच में किया जाएगा। तो यहां से आप बिल्कुल श्योर हो लें कि आपको विद्यालय में 7:30 बजे से 1:30 बजे तक रहना है, यानी कि शिक्षकों को, और छात्रों की बात की जाए तो उनको 7:30 बजे से 12:30 बजे तक रहना होगा। तो इस प्रकार से ये सचिव स्तर से टाइम टेबल आया है, जबकि कई जिलों में जिला के जिलाधिकारी बीएससी के द्वारा टाइम निर्धारित किए गए थे, लेकिन ये सचिव स्तर से टाइम निर्धारित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खबर है, शिक्षकों को इलाज के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, लेकिन ये कहाँ का और किन शिक्षकों को मिलेंगे ये देख लेते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय अशासकीय वित्तहीन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके लिए शिक्षक कल्याण कोष का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस लाभ को पाने के लिए वित्तहीन कॉलेज के शिक्षकों को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह कुलपति PRSU उन्होंने ये बात कही हुई है।